अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं उमर दया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत की एसएसपी रैंक पर तरक्की के बाद दफ्तर में आमद। ताजरान, बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वकला, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मुबारकबाद दी और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बिहाड़ी जिला को क्राइम फ्री बनाने और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए की जाने वाली कोशिशों का समर है कि अल्लाह करीम ने DPO बिहाड़ी को प्रमोशन से नवाजा। मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदा अफराद ने फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। सामने से चनियोट में वापटा की लापरवाही की वजह से खत्म नबूवत चौक जंग रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर का खौफनाक धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग ने मुतअद्दिद रक्षा मोटरसाइकिल समेत चार अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। रिक्शे मोटरसाइकिल जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि खौफनाक आग ने पाँच अफराद को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिनमें तीन अफराद की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। जबकि जय वकुआ के अफराद का कहना था कि वापटा अफसरान को इतला देने के बावजूद भी उन्होंने ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर धमाके से उड़ गया। गवाना के नवाही इलाके रमाना शुमाली से मोचीवाला तक एनुअल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1 किलोमीटर से ज़ायद की नई सड़क 49,86,000 रुपये की लागत से तामीर की जा रही है। सड़क के दोनों अतराफ बंद बारने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। महकमा हाईवे की मुबैना गफलत के बायस नाकस मटीरियल से रोड की तामीर की जा रही है। सोहम दर्जा की ईंटों और नाकस मटीरियल के बायस सड़क ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। अहलियान इलाका ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में खवातीन का घरों से निकलना मुहाल हो गया। आवारा लड़कों की छेड़छाड़ मामूल बन गई। आवारा नौजवानों की ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने वाली तालबात से छेड़हानी की CCTV फुटेज बागी टीवी को मौसूल हो गई। मोटरसाइकिल सवार लड़के हसूल तालीम की खातिर घरों से निकली लड़कियों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। सरकारी स्कूलों में मार नहीं प्यार के हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए हैं। बवाना के सरकारी स्कूल में तशद्दुद का सिलसिला न थम सका। चक नंबर 187 खात्मे वाला में स्कूल टीचर ने सबक याद न करने पर कमसिन तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। उकाड़ा में शहरियों से उस्मान नामी डबल शाह लोगों से करोड़ों रुपए जाली कंपनी के नाम पर हड़प कर चुका है। उस्मान नामी जाली डबल शाह निजी कंपनी बनाकर लोगों को आधी कीमत पर चीज़ें देने की ऑफर पर लूटता था। 1 लाख का मोबाइल 50,000 में ऑफर करता था। मुल्ज़िम पैसों की वसूली पहले और डिलीवरी के लिए 15 दिन बाद का टाइम देता था। पुलिस थाना ए डिवीजन ने उस्मान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद वल्द अब्दुल मजीद कौम रही और जुबैर वजीर वल्द वजीर कौम कियानी उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई थी टोक्यो इंश्योरेंस मोबाइल के नाम से। वहाँ पे इन्होंने लोगों को ये कहा कि आप 50% डिस्काउंट दें, किसी को इन्होंने 35% का कहा और इनका तरीकाकार ये था कि रकम जो है वो इन्हें जमा करवा दें और 14 दिन के बाद आपको वो मोबाइल या दूसरी जो है एक्सेसरीज फोन एक्सेसरी वो आपको मिलेंगी। उसके लिए ज़रूरी था कि जब आप अपना इस्तेमाल लेने के लिए आएँ तो आपको 2 मज़ीद कस्टमर लाने होते हैं। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। RPO ऑफिस सरगोधा में तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर अशफाक खान के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोधा सरदार ताहिर साबिर ने भी शिरकत की। आसमान गिराना जमीन पटी, रिश्तों का तकद्दुस पामाल, जालिम बाप ने अपनी बेटी को ही हवस का निशाना बना डाला। उकाड़ा में थाना ए डिवीजन के इलाके साबरी कॉलोनी में मुलजिम लियाकत अली ने अपनी 12 साल बेटी गुलनाज को हवस का निशाना बना डाला। मुलजिम को थाना ए डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना बी डिवीजन पुलिस कसूर की कार्रवाई, गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाले 3 साल मासूम बच्चा बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। अगवा कार मुलजिमा नसीम बीबी को खुटिया से गिरफ्तार किया गया। शाम 9 बजे असं इतने चौंकी आए हैं। साढ़े ने SH ने बहुत जरा तावन किया, उन्हें सारे आदि जरा फौज इस काम च ला दी है। बवाना में सीवरेज के मसाइल होंगे फौरी हल, क्योंकि 80 लाख रुपए की खतीर रकम से जदीद मशीनरी मंगवा ली गई है और म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दी गई है। पिछले माह जेटिंग मशीन भी म्यूनसिपल कमेटी के हवाले की गई थी। ये थी आज की इलाकाई खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बागी TV। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह निगेबान।
है।